साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस कविता में कवि मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। आज हम यह जानेंगे कि कवि मुक्तिबोध की क्या क्या विशेषताएं हैं, वे किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कवि मुक्तिबोध से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न का पहला प्रकार है मुक्तिबोध के काव्यगत विशेषताओं का भाव पक्ष, जिसको अनुभूति पक्ष भी कहा जाता है, एवं कला पक्ष, जिसको अभिव्यक्ति पक्ष भी की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। मुक्तिबोध के काव्य वैशिष्ट को प्रतिपादित कीजिए, अथवा मुक्तिबोध के काव्य स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज है, प्रमाणित कीजिए, अथवा मुक्तिबोध के प्रगतिशील चेतना का वर्णन कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद मुक्तिबोध का काव्य प्रगतिवादी विचारधारा नई कविता का नूतन प्रतिमान गढ़ता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मुक्तिबोध की काव्य भाषा का परिचय दीजिए। तो मुक्तिबोध से इतने ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इनके काव्यगत विशेषताओं को आगे जानने का प्रयास करेंगे। मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएँ। मुक्तिबोध प्रगतिवादी युग के कवि होने के कारण एक प्रगतिवादी विचारधारा के भी कवि हैं। दबे कुचले तथा सताए गए समाज के प्रति सदैव अच्छाई की भावना एवं पूंजीपतियों के प्रति सदैव घृणा की भावना ही इनकी कविताओं का मुख्य केंद्रीय बिंदु रहा है। मुक्तिबोध ने शोषित वर्ग को बहुत निकट से देखा था, बहुत कुछ सहा था, इसलिए वे हमेशा शोषितों के संदर्भ में अच्छा ही करने का प्रयास करते थे, जबकि पूंजीपतियों के प्रति वे हमेशा ही घृणा की भावना रखते थे, क्योंकि पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग को बहुत ज़्यादा सताया था। नोट: किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं का विश्लेषण दो प्रकार से कर सकते हैं। उसकी काव्यगत विशेषताओं के दो प्रकार होते हैं, पहला कला पक्ष, दूसरा भाव पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? भाषा, छंद योजना, प्रतीक योजना एवं बिंब विधान। और भाव पक्ष के अंतर्गत क्या कहता है? पीड़ा बोध के कवि, पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह की भावना, व्यक्तिवादी मनोभूति का चित्रण, यथार्थ चित्रण इत्यादि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की भाव पक्ष की विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम मुक्तिबोध के भाव पक्ष को देखते हुए इनको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं भाव पक्ष के अंतर्गत हमारा पहला शीर्षक है पीड़ा बोध के कवि। मुक्तिबोध पीड़ा बोध के कवि हैं। इनके काव्य में यह पीड़ा अनेक रूपों में व्यक्त हुई है, कहीं विशेष दुख एवं शोक के रूप में, कहीं युग की विभीषिका के रूप में, कहीं गरीबी एवं बेरोजगारी के रूप में, कहीं राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में, और कहीं असाध्य बीमारी के रूप में इत्यादि। और इस संदर्भ में एक उदाहरण बहुत ही बढ़िया है, चलिए देखते हैं। अपना धैर्य पृथ्वी के हृदय में रख दिया था, धैर्य पृथ्वी का हृदय में रख लिया था, उतनी ही भूमि पर चिरंतन अधिकार है मेरा, जिसकी गोद में मैंने सुलाया प्यार मेरा। इसके बाद कवि मुक्तिबोध की भाव पक्ष के अंतर्गत दूसरी विशेषता आती है, जो कि है पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह की भावना। यह कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए देखते हैं। मुक्तिबोध ने इस संसार को बहुत निकट से देखा था, बहुत कुछ सहा था, पूंजीपतियों के क्रियाकलाप कभी भी उन्हें अच्छे नहीं लगे, इसलिए उनके काव्य में उनके प्रति सर्वत्र घृणा ही दृष्टिगत होती है। कवि इन शोषकों के प्रति विद्रोह का आह्वान करता है, वह इनके प्रति क्रोध एवं घृणा व्यक्त करते हुए कहता है, तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृत अध देता क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध, तेरे रक्त से भी घृणा अति तीव्र। भाव पक्ष के अंतर्गत कवि मुक्तिबोध की अगली विशेषता है व्यक्तिवादी मनोभूति का चित्रण। इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि व्यक्तिवादी मनोभूति का चित्रण इनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि ने मानव की समस्त दुर्बलताओं का चित्रण अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिए मानव के व्यक्तित्व का ह्रास, अनिश्चितता, असफलता, मृत्युबोध,
क्षणभंगुरता, अपूर्णता, निराशा, कुंठा, एकाकीपन, अजनबीपन आदि का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप से किया गया है। इस संदर्भ में व्यक्ति और खंडार शीर्षक कविता की निम्नांकित पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। दब चुकी जो मर चुकी है आत्मा, खत्म हो जो हुई हो ही गई है आकांक्षा, व्यक्ति में व्यक्तित्व के खंडहर, गान कर उठते उसी के गीत। कवि मुक्तिबोध की भाव पक्ष के अंतर्गत दूसरा शीर्षक है, जिसको यथार्थ चित्रण भी कहा जाता है। यह सर्वथा सत्य है कि मुक्तिबोध कटु यथार्थ के कवि हैं। उन्होंने इस यथार्थ को स्वयं जिया और भोगा है। कवि का यथार्थ बोध दर्शनीय है। इस संदर्भ में एक कविता है, उसको देखेंगे। आज के अभाव के व कल के उपवास के व परसों की मृत्यु के दैन के महा अपमान के व क्षोम पूर्ण भयंकर चिंता के उस पाया से यथार्थ का दिखता पहाड़ स्याह। प्रयोगवादी कवियों में मुक्तिबोध ही ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में यथार्थ चित्रण सर्वाधिक उपलब्ध होता है। यथार्थ बोध की दृष्टि से इनकी ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में कविता का सर्वोत्तम उदाहरण है। कवि मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एक ऐसी कविता है जिसमें कवि मुक्तिबोध को जानने पहचानने का बहुत ही अच्छा दर्शन मिलता है, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन हमें मिलता है। इनकी अगली विशेषता है बौद्धिकता। बौद्धिकता प्रयोगवादी कविता की रीढ़ है। यही कारण है कि मुक्तिबोध के काव्य में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता एवं चिंतनशीलता समावेश सर्वाधिक हुआ है। बौद्धिकता इनकी कविता का प्राण तत्व है, आत्मा के मित्र। कविता इस दृष्टि से सर्वोत्तम कविता है। व्यंगात्मकता कवि मुक्तिबोध के भावपक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है व्यंगात्मकता। व्यंगात्मक काव्य प्रणयन के लिए वास्तव में कवि की परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। मुक्तिबोध ने नग्न यथार्थ को साक्षात्कार किया है, जीवन कटु यथार्थ को भोगा था। यही कारण है कि आधुनिक सभ्यता की विसंगतियों और विद्रूपताओं तथा छद्म आधुनिकीकरण पर उन्होंने भरपूर व्यंग्य किया है। चांद का मुंह टेढ़ा है में चांद और चांदनी रोमांटिक भावों को उद्दीप्त करने वाली ना होकर ऐसे जमाने का चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें कर्फ्यू लगा है, पोस्टरबाजी है और भूसे उजाले में फुसफुसाते षड्यंत्र। मुक्तिबोध के भाव पक्ष की विशेषता समाप्त होती है। अब हम इसके अभिव्यक्ति पक्ष अथवा कला पक्ष को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं मुक्तिबोध के काव्य में अनुभूति पक्ष के साथ ही अभिव्यक्ति पक्ष भी काफ़ी समर्थ है। अतएव निम्नांकित पंक्तियों में शिल्पगत वैशिष्ट का लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। तो उनकी कला पक्ष के अंतर्गत पहली विशेषता है भाषा। भाषा का निरालापन ही कवि के बड़ा होने का प्रमाण है। मुक्तिबोध ने धर्म, राजनीति विज्ञान और दर्शन से लेकर सड़क और अखबार तक की भाषा को बेहिचक धोते हुए अपना निराला शब्द संसार रचा। जिस प्रकार वह विचार के स्तर पर जकड़बंदी से परहेज करते थे, उसी प्रकार उनकी भाषा संबंधी दृष्टि भी मुक्त और उदार है। हिंदी के तत्सम तद्भव और देशज शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, अरबी और मराठी शब्दों का भी अपनी कविता में निसंकोच प्रयोग किया है। कुछ लोगों को इनकी भाषा अनगढ़ और ऊबड़ खाबड़ लगती है, किंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि मुक्तिबोध ने ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया है। वह यह नहीं चाहते थे कि वह किसी से अपनी कविताओं में शब्द को ग्रहण करें। वह कवि निराला की ही तरह स्वयं अपने भाषा को विकसित किया एवं अपनी भाषाओं को अलग अलग नए नए शब्दों में खोजकर उसको लिखने का प्रयास किया। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की अनुभूति पक्ष अथवा भाव पक्ष के अथवा कला पक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है छंद। कवि ने अपने काव्य में मुक्त छंद को अपनाया है। कवि निराला के समान कहीं भी बंधन स्वीकार नहीं कर पाता है। उसकी प्रकाशित लगभग सभी कविताएं मुक्त छंद में लिखी गई हैं। इस प्रकार इनके छंद नवीन प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विचार आते हैं शीर्षक कविता का संबंध में द्रष्टव्य है। विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चों के नेकर फचटते वक्त। विम्ब विधान यह कवि मुक्तिबोध की
कला पक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है। मुक्तिबोध का काव्य भी बिंब विधान की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध होता है। इनके काव्य में अनेक प्रकार के बिंब दिखाई देते हैं, अथवा छायावादी बिंब, ध्वनि बिंब, रंग संबंधी बिंब, प्राकृतिक बिंब तथा अन्य बिंब आदि। वातावरण की रहस्यमता और भयानक रोमांचकता को मूर्त करने वाले बिंब उनके काव्य से मिलते हैं। चलिए संबंध में एक उदाहरण उसको देख लेते हैं। भयाना काला लबादा ओढ़े है, बराबर सामने प्रत्यक्ष कोई, स्याह पर्दे से ढका चेहरा। तो इसी के साथ कवि मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं समाप्त होती हैं। अंत में हम इसके निष्कर्ष को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रस्तुत विवेचन में एवं विश्लेषण के आधार पर अंत में डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्ता के शब्दों में कह सकते हैं कि नई कविता में मुक्तिबोध का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज की विद्रूपता और जटिल संवेदना की सफल अभिव्यक्ति की है। मुक्तिबोध के शब्दों के जादूगर ना होकर जीवन के चित्रकार थे और इसी रूप में वह स्मरण किए जाएंगे। उनकी कविता आधुनिक भारतीय मनोदशा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, भारत को समझने के लिए महत्वपूर्ण भाष्य है। उनकी कविता में तीखापन और निर्वैविकता, व्यंग का रूप इतना उत्तम है कि हिंदी में उन जैसा कवि नहीं मिलता। अनगढ़पन उनके शिल्प की मौलिकता है और वही उनकी कविता को एक नई प्रवणता प्रदान करती है। इसी प्रकार से कवि मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं भी समाप्त होती हैं। कवि मुक्तिबोध से जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था। कवि मुक्तिबोध के बाद हम नागार्जुन को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नागार्जुन भी आधुनिक काव्य में एक महत्वपूर्ण कवि हैं और वह हमारे सिलेबस में भी शामिल हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।